नमस्कार, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया था लगभग 1500 के आसपास बायोलॉजी के क्वेश्चन जाने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कोई भी बच्चा DSSSB की किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो ANM, चाहे वो GNM, चाहे वो LDC, चाहे वो दास ग्रेड टू, कोई भी पोस्ट या फिर SSC जिसमें बायोलॉजी आती है, वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन ईजिली कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हम समझते हैं। किसी को कोई डाउट रह जाता है या हमें PDF चाहिए क्वेश्चन की, तो नीचे दिए गए नंबर 8800453881 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन ईजली देन दैट ऑफ मैन, कौन सी बीमारी आसानी से वुमेन पर प्रभाव डालती है मैन की बजाय। देखिए एक बीमारी है, वो है हार्ट अटैक, जो मोस्टली आती तो मैन को है, लेकिन मैन को तब आती है जब उसके ब्लड में या उसकी वेंस में बहुत सारी समस्याएं होती है, तब हार्ट अटैक आता है। लेकिन वुमेन को हार्ट अटैक थोड़ी सी समस्या के साथ ही आ जाता है। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया कि किसको ज़्यादा आता है, या ये पूछा गया है कौन सी बीमारी वुमेन पर जल्दी प्रभाव डालती है। यानी एक मैन और एक वुमेन लिया, किसी के वेंस में कम प्रॉब्लम है वुमेन में, और मैंस में ज़्यादा है, तो वुमेन को जल्दी अटैक आएगा, मैन में ज़्यादा होने के बावजूद लेट भी आ सकता है। तो हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो वुमेन को ज़्यादा प्रभावित करती है। RBC डिस्ट्रॉयज इन, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराया था कि ब्लड बैंक कौन सा है हमारा, तो आपने बताया था या मैंने बताया था प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, और उसी टाइम मैंने आपको बताया था जिसने वीडियो देखी होगी कि RCB कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होती है, तो आपने उसी टाइम मैंने बताया था स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है। तो देखिए अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो ये लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है, आने वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है जो RBC है उनका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाकर प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC की कब्र के भी नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तब मैंने आपको कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, शायद मैंने वहाँ बताया हो कि वो ब्रेन में होता है। गले में मैंने थायरॉइड ग्लैंड बताया हुआ, सब याद रखोगे तो कब वीडियो चलती जाएंगी और आपको पता नहीं लगेगा कि आप बायोलॉजी का 80-90 पार्ट आप सीख चुके होंगे। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं उनको याद नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। देखिए किडनी क्या होता है, किडनी का काम होता है हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसमें जो यूरिया है या उसमें जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है उसको निकाल कर यूरिन के थ्रू, आपके जो मूत्र के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो उसमें जो काम करता है किडनी में जो पार्ट, ये जो यूनिट काम करती है, उस यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। तो आपको याद रखना है किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। वट इज़ द लिमिट ऑफ MG+DL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। एट द टाइम ऑफ फास्ट का मतलब है यहाँ जब आप सुबह खाली पेट उठते हैं तो आपका ब्लड में शुगर लेवल, आपने कहा होगा ना कि भाई शुगर मापना मेरी, वो कितनी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ लिखना जरूरी है एट द टाइम ऑफ फास्ट, कि जब तक हमने कुछ खाना खाया, खाना ना खाया हो,
क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा शुगर लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट में शुगर है या हमने कुछ मीठा खा लिया तो वो बढ़ेगा। तो उस क्वेश्चन में ये डालना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फास्ट, यानी जब तक, यहाँ फास्ट का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन भूखे हैं, सुबह उठे तो उस टाइम हमारा फास्ट ही है, तो 70 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर उसने फास्ट नहीं लिखा तो वो 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, तो 70 से 100 के बीच में है तो हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है। विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम ब्लड, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे ब्लड से यूरिया नाइट्रोजनस प्रोडक्ट निकालने का काम किडनी का होता है, किडनी का होता है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, कभी कभार पूछ ले तो आपको याद रखना है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम हैज 40 रिंग्स आएगा यहाँ, रिंग्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ ट्री, देखिए एक साइंटिफिक मेथड होता है पौधे की आयु गिनने का, जो बड़े पौधे हो चुके हैं तो उन पे रिंग्स बन जाती है कुछ इस तरीके से, वो कहा जाता है कि हर साल वो एक रिंग डेवलप होती है, तो अगर किसी पौधे को 40 रिंग निकली है तो हम इजीली उसकी एज बता सकते हैं कि वो प्लांट या वो पौधा 40 साल का है, और ये रिंग स्टेम यानी तने पे ही डेवलप होती है। देखिए लगभग हमें 7-8 मिनट हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही है क्योंकि हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका कि मैं 10 क्वेश्चन कराऊं और अपने प्रॉफिट के लिए आपको 30-30 मिनट की वीडियो दिखाऊं। तो आपको समझ पे चलना है, जो इन्फॉर्मेशन है जो दी जा रही है उनको याद करके ही नेक्स्ट वीडियो देखें, ऐसे नहीं कि चलो भाई चलने दो वीडियो देखते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। विच डिजीज़ इज़ कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, 6th क्लास का क्वेश्चन है। विटामिन डी शायद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आया हूँ, मैंने आपको बताया हूँ कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए विटामिन डी। हाँ मैंने बताया था, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसको हम धूप की सहायता से हमारी बॉडी स्किन बनाती है, बाकी सभी विटामिन हमारी बॉडी खाने या फ्रूट्स मिनरल्स के वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के द्वारा लेती है। तो विटामिन डी अगर आप नहीं लेंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है रिकेट्स, आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ये विटामिन आपको याद रखना है, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी का काम ही होता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, मिल्क का डाइजेशन कराना। ठीक है, तो रिकेट्स आपको याद रखना है, विटामिन डी से रिकेट्स होती है। ये भी क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, अनियन इज मॉडिफाइड फ्रॉम, अनियन जो है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा, बच्चे सोचेंगे रूट है, रूट नहीं है भाई, लीफ नहीं है, तो वो हिस्सा कौन सा है, स्टेम यानी तना। ठीक है, याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th की साइंस इसने पढ़ी होगी, स्पर्म जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है। ठीक है, ये वीडियो यहाँ फिनिश होती है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8800453881 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।